हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो आर्टिकल है जो हमारा हो चुका था, उसके बाद मोनोटोनिसिटी जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें से प्रीवियस ईयर जिम एडवांस के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज जो है उसे हम टैकल करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उसके जो डाउट्स है वो आपके सामने यहाँ पे है। हम वन बाय वन करके इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, थ्री। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस कॉस एक्स फॉर ऑल रियल एक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच रियल टी देयर एग्जिस्ट सी इन, आपको क्या क्या है, सी इन टी टू टी प्लस पाई सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो चलो एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू का डेरिवेटिव क्या है, जीरो प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। तो आपको पता है एक्स साइन एक्स जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब साइन ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो चाहिए, मतलब साइन ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो चाहिए। साइन सी जीरो कब होता है, जीरो को, पाई को, टू पाई को, थ्री पाई को। ओके, तो आपने कोई भी टी अगर लिया, रियल टी लिया, तो टी प्लस पाई, टी कॉमा टी प्लस पाई इस इंटरवल में, इसकी इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, पाई की। तो इस इंटरवल के बीच में कोई तो एक फैक्टर जहां पे आ ही जाएगा कि साइन ऑफ सी जीरो होगा, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। ओके, तो माइनस साइन एक्स आपको पता है जीरो पाई टू पाई थ्री पाई, मतलब पाई के इंटरवल में क्या होता है, जीरो होता है। तो फिर टी टू टी प्लस पाई के बीच में इन इंटरवल में से कोई तो एक पॉइंट इस इंटरवल में आ ही जाएगा, जैसे वो पॉइंट आएगा सी लिख के लिए तो साइन ऑफ सी जीरो होगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टू पाई। ये जो फंक्शन है कौन सा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है, इंफिनिटी, एंड इसका पीरियड क्या है, टू पाई। सो दोनों का पीरियड क्या आएगा, टू पाई। इसका मतलब ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, इस एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना होगा, टू पाई का। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स का पीरियड टू पाई का होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ टू पाई, देयरफोर एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। लेकिन अब देखो, फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, लेकिन सेकेंड क्या बताता है कि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसकी टू पाई इसके इंटरवल के अंदर वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। लेकिन यहाँ पे गैप कितना, इंटरवल का, पाई का, और ये जो फंक्शन है ये टू पाई में पीरियोडिक नहीं है, इसका पीरियड भी टू पाई का है, फिर भी साइन ऑफ पाई क्या होता है, जीरो होता है। मतलब सेकेंड से फर्स्ट का इम्प्लीकेशन नहीं होता। सो फर्स्ट ट्रू, सेकेंड भी ट्रू, लेकिन सेकेंड इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर सेवन। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर सेवन, लेट द फंक्शन जी फ्रॉम, आपको क्या दिया है, जी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी गोज टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ऐसा आपको दिया है, सच दैट जी ऑफ यू इज इक्वल टू, क्या है जी ऑफ यू, टू टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू। देन जी इज, ऑप्शन देखो, इवन, ऑड, ऑड, इवन, ऐसे आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको इवन ऑड चेक करना पड़ेगा। सो इवन ऑड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू टू टैन इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस यू माइनस पाई बाई टू। तो ई रेस टू माइनस यू सबको पता है, टू टैन इनवर्स ऑफ वन अपॉन ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज आपके अच्छे होंगे, तो टैन इनवर्स ऑफ वन अपॉन समथिंग आपको पता है, टू कॉट इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वाट को कैसे लिखेंगे, टू इंटू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू, मल्टीप्लाई किया, सो पाई माइनस
टू टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू। सो पाई माइनस पाई बाई टू मतलब क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस साइन कॉमन लिया माइनस टू ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ यू, टू टेन इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू। चलो देखो तो ये आपका क्या है, जी ऑफ यू, सो माइनस जी ऑफ यू, सो जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल माइनस जी ऑफ यू आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, ऑड फंक्शन है। तो चलो देखो, ऑड फंक्शन तो पता चल गया, यानी कि आपका आंसर बी या सी में से कुछ तो होगा। तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी डैश ऑफ यू इज इक्वल टू टू ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ समथिंग मतलब क्या, वन अपॉन वन प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डेरिवेटिव ई रेस टू यू माइनस पाई बाय टू का डेरिवेटिव जीरो। सो क्या आएगा, टू ई रेस टू यू अपॉन वन प्लस ई रेस टू यू ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये अलवेज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ई रेस टू यू भी अलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। सो ये पूरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो g डैश ऑफ यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब g ऑफ यू क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपका फंक्शन ऑड भी है एंड इंक्रीजिंग है, सो आप क्या बोलोगे, इट इज ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज सी का आंसर, सेवन का आंसर आ गया, क्या आएगा, सी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन देखो सिंपल थे, आपको सिर्फ प्रॉपरली उसे हैंडल करने की जरूरत थी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ऑप्शन में देखो क्या करना है आपको, तो आपको ऑप्शन जो है वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे, उसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है ये खुद हमें क्या बताते हैं, ऑप्शंस बताते हैं। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 10, लेट यप बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। चलो देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स एलएन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ टी इंटू डीटी। कोई बात नहीं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। तो हर ऑप्शन में एफ डैश ऑफ एक्स प्रेजेंट है, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलएन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस, आपको पता है ये क्या है, डिफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आपको पता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, यानी कि न्यूटन लेबनीज रूल हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो रूट ऑफ वन प्लस साइन ऑफ टी, टी की जगह क्या आएगा एक्स, साइन ऑफ एक्स इन टू डी टी की जगह इसका डेरिवेटिव वन, लोअर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आ गया। सो एफ डैश ऑफ एक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, एच देखो, वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो इस तरह से हम कैसे लिखेंगे, वन बाय एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, इस तरह से, क्योंकि स्क्वेयर स्क्वेयर रूट आइडेंटिटी होगा तो वैल्यू प्लस और माइनस में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मॉड। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस रूट टू को मल्टीप्लाई किया, रूट टू से डिवाइड किया, कॉस ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन अपॉन रूट टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू वन अपॉन रूट टू। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन कॉस एक्स बाई टू कॉस पाई बाय फोर मतलब वन अपॉन रूट टू प्लस साइन एक्स बाई टू साइन पाई बाय फोर मतलब वन अपॉन रूट टू। तो ये क्या आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस रूट टू मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर। इस तरह से आपका क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। तो जैसे ही देखो, आपको पता है ये जो फंक्शन है कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो इसकी वजह से ये जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो आपका आ गया, लेकिन इससे डिफ्रेंशिएट कर, एफ डैश ऑफ एक्स आपको मिल गया, लेकिन इससे डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, अच्छे से देखो, जैसे हम एफ डैश ऑफ एक्स हमें मिल गया,
अब f डैश ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मॉड है यहाँ पे, सो ये प्लस और माइनस आएगा तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब f डैश ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर f डैश ऑफ x एग्जिस्ट हो गया, f डैश ऑफ x कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये f डैश ऑफ x क्या है, एग्जिस्ट हो गया, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब बी आंसर आएगा। जबकि हम एडवांस लेवल की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, मतलब f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब देखो f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x क्या आएगा, चलो देखो, ln ऑफ x 1 अपॉन x माइनस ln ऑफ x प्लस रूट टू इंटू मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स रूट ऑफ वन प्लस साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो आपको पता होना चाहिए ln ऑफ x जो है वो 1 अपॉन x से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 अपॉन x से ln ऑफ x क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर ये इससे ये क्या है, बड़ा है, मतलब ये निगेटिव आएगा, और इससे ये क्या है, बड़ा है। अच्छे से देखो, यही वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी, बड़ी आएगी। सो f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x ये लेस देन क्या होगा, जीरो, मतलब f डैश ऑफ x लेस देन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। सो मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या होगा, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन डी की वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट टू इंटू मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स रूट ऑफ वन प्लस साइन ऑफ टी इंटू डी टी एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो देखो, उन्होंने डी ऑप्शन में बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू लेस देन क्या होगी, बीटा होगी, ऐसा बोला है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू लेस देन बीटा हो गया ऐसा बोला है, लेकिन जैसे ही एक टेंस टू इंफिनिटी होगा ये पूरी वैल्यू भी कहा जाएगी इंफिनिटी, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो बस एक चीज आपको अच्छे से समझनी होगी कि सी ऑप्शन रॉन्ग है, सॉरी डी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। सो बी एंड सी इसके करेक्ट आंसर्स होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 11। तो चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 11 क्या दिया है, लेट f फ्रॉम 0 टू 1, f फ्रॉम 0 1 टू r, ऐसा आपका क्या है, फंक्शन डिफाइंड है सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस x अपॉन 1 माइनस बी एक्स, वेयर b इज कॉन्स्टेंट सच दैट b लाइज बिटवीन, b की वैल्यू दी है, b आपका क्या है, 0 टू 1 के बीच में। देन आपको फाइंड करना है ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इन्वर्टिबल है या नहीं। तो चलो देखो, जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस बी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज बी माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव बी माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस बी एक्स माइनस 1, मतलब माइनस 1 प्लस बी एक्स, माइनस 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 क्या होगा, प्लस प्लस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी एक्स, ये क्या होगा, कैंसल अपॉन 1 माइनस बी एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर। सो एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर। बी की वैल्यू क्या है आपकी, 0 टू 1 के बीच में, तो डेफिनेटली बी स्क्वेयर भी लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अच्छे से देखो, बी की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में है तो बी स्क्वेयर लेस देन 1 होगा। सो बी स्क्वेयर लेस देन 1 है, मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगी, ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब क्या होगा, लेस देन 0। सो आपका एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आता है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसकी वैल्यू
तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो इसकी रेंज आप फाइंड कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की रेंज ए माइनस टू से वन के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। आपको इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होगी, बी क्या है, जीरो टू वन के बीच में, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसकी फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी ये वन से बड़ी नहीं होगी। अच्छे से देखो, ये जो वैल्यू आएगी ये कभी भी वन से बड़ी नहीं होगी, तो मतलब एफ ऑफ एक्स की रेंज वन से लेस होगी। लेकिन एफ का जो डोमेन है, डोमेन क्या दिया है, कोडोमेन, सॉरी एफ का कोडोमेन क्या है, आर, और आपकी रेंज क्या आती है, वन से लेस, सो आपका कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू क्या है, रेंज। अगर आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो फिर आपका फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो 11 का आंसर आएगा एफ इज नॉट इन्वर्टिबल। तो 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया।